गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रेड 7। वेलकम टू योर क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो आज हम पढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में। अब क्योंकि हम रामपुर में रहते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ से रिलेट करते हैं, रामपुर से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे रामपुर की हिस्ट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑक्सफोर्ड के तालीम आफ्ता हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा, यानी इनकी तालीम कहाँ हुई थी, ऑक्सफोर्ड लंदन। ओके, हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। फिर से देखिए, ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा मुजाहिद यानी जिहाद करने वाला आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, ये हमारे रामपुर में पैदा हुए थे। कहाँ के तालीम याफ्ता थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ओके, 2 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा मजहबी खातून थी, इसलिए बचपन ही से तालीमात इस्लामी से गहरा शगफ था, यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में पाई, यानी सबसे पहले कहाँ पढ़ा, रामपुर में पढ़ा, और उसके बाद फिर बरेली। आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। बीए का इम्तहान इस शानदार कामयाबी से पास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में की, यानी कहाँ क्या किया था उन्होंने लंदन से, ICS। वापसी पर रामपुर और बड़ोदरा की रियासतों में मुलाजमत की, मगर जल्द ही मुलाजमत से दिल भर गया और कलकत्ता जाकर अंग्रेज़ी अखबार कॉमरेड जारी किया। मौलाना की लाजवाब इंशा परवाजी और जहानत तबाह की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाता था। मशहूर यह है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से अपने दोस्तों के लिए तोहफे के तौर पर कॉमरेड ले जाया करते थे, यानी इन्होंने एक मैगज़ीन एक वो शुरू किया था जिसका नाम उन्होंने कॉमरेड था। और अंग्रेज़ लोग क्या किया करते थे, जब वो हिंदुस्तान से वापस बाहर जाया करते थे अपने मुल्कों में, तो अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफ़ा ये वाली मैगज़ीन लेके जाया करते थे। अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर के अलावा मौलाना की उर्दू रवानी भी मुसलिम थी, यानी उन्हें उर्दू पर भी बहुत ज़्यादा कमांड था। उन्होंने उर्दू रोज़नामा हमदर्द भी जारी किया जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना था, यानी बेबाकी और बेखौफी ये नहीं है कि उन्होंने अल्लाह ना करे कोई गलत सलत चीज़ लिख दी, बेबाकी और बेखौफी मतलब वो जो कुछ भी बोला करते थे बग़ैर डरे खुलकर बोला करते थे। जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना की ज़िंदगी को काफ़ी हिस्सा कैद बंद में बसर हुआ। तहरीक अदम ताबून की पादाश में कई साल जेल में रहे। 1919 की तहरीक खिलाफत के सरगर्म रहनुमा और बानी थे। तुर्क मवालात की तहरीक में गांधी जी के साथ शरीक थे। उससे जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के बुनियाद गुजारों में सर फहरिस्त लाया, यानी गांधी जी के साथ आज़ादी की जंग में तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे ही, साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामी की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो उन लोगों में भी सर फहरिस्त यानी सबसे पहले इनका नाम आता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। जनवरी 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस, शिरकत की गरज से इंग्लिस्तान गए। यहाँ उन्होंने आज़ादी वतन का मुतालबा करते हुए कि कहा, अगर मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा और तुम्हें मेरी कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी, यानी उनका क्या वहाँ पर वो था, क्या कह रखा था उन्होंने कि अगर या तो मेरा मुल्क आज़ाद करो, मेरा वतन आज़ाद करो, अगर नहीं आज़ाद करोगे तो मैं ग़ुलाम मुल्क में नहीं जाऊंगा, तुम्हें मुझे इसी स्वतंत्र मुल्क में मेरी कब्र बनवानी पड़ेगी। उसके बाद लंदन में ही उनका इंतकाल हुआ। तदफीन की गरज से उनको बैतुल मुक़द्दस, उनका जनाजा जो है बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। मौलाना को उर्दू शेर व अदब से भी दिली शगफ था, यानी उन्हें उर्दू की शेर व अदब से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। बेशुमार गज़लें और नज़में लिखी जो मुजाहिदाना रंग से भरपूर थी, यानी जिहाद से भरपूर थी। उनका दर्जा ज़ेल शेर तो ज़र्बुल मिसल है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।
तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने दीन की हिफाजत, अपने रसूल की उम्मत की हिमायत और अपने वतन अजीज़ की महकूम मज़लूम मखलूक के खातिर लड़ते रहे। उन्होंने खुदा परस्ती, मिल परस्ती और वतन परस्ती तीनों को जिस तरह मिलाने की कोशिश की, वो उनकी ज़िंदगी की हसीन दास्तान है। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान थे। उनकी इस जज्बातियत को दीवानगी से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो दीवाने थे तो हिंदुस्तान की आज़ादी के, मुसलमान मुल्कों की आज़ादी की और खुदा और उसके रसूल के दीवाने थे। वो अपनी दीवानगी पर ख़ुद भी फ़ख्र करते और उसी को दानाई भी कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसका सिर्फ एक वो और ले लीजिए। फरमाते वो क्या कहते, फरमाते अक्ल को क्या हमने नज़रे जुनूं, अक्ल को किया हमने नज़रे जुनूं, उम्र भर ये एक दानाई की। तो यहीं तक आज हम छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, आज बस इसका इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके वर्क में हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग ये रहे, शगफ, इंशा परवाजी, जहानत, अदम ताबुन, ठीक है। ये इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं या वर्ड मीनिंग है, ये आपको कंप्लीट करने, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।